बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी साउथ की दो बड़ी फिल्में सहो और सेरा नरसिम्हा रेड्डी की होगी टक्कर। बॉलीवुड के साथ साथ अब साउथ की फिल्मों का भी खूब क्रेज है। फिल्म बाहुबली के साथ बॉलीवुड और नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडियन फिल्मों का क्रेज ज्यादा बढ़ा है। वहीं साउथ के मेकर्स भी अब फिल्मों को हिंदी में भी रिलीज करते हैं। ऐसे में इस साल दो साउथ की बड़ी फिल्में एक साथ ही रिलीज हो रही है, या यूं कह लीजिए कि इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश होने वाला है। ये फिल्में हैं साहो और सेरा नरसिम्हा रेड्डी। जी हाँ, बाहुबली प्रभास स्टारर साहो और सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म सेरा नरसिम्हा रेड्डी एक ही दिन रिलीज हो रही है। खबर है कि दोनों ही फिल्में 15 अगस्त को ही आ रही हैं। हालांकि इस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। साहो की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट काफी पहले हो चुकी है। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी, जबकि सेरा नरसिम्हा रेड्डी की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चिरंजीवी की फिल्म भी 15 अगस्त को ही रिलीज होगी। माना जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग मार्च में खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म करके फिल्म को अगस्त में रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें कि ये फिल्म स्वतंत्रता सेनानी यू नरसिम्हा रेड्डी की लाइफ पर बेस्ड है। खास बात यह है कि यह फिल्म तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे, जिसकी जानकारी काफी पहले ही आ चुकी है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपना टॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इतिहास के सबसे बहादुर इंसान का किरदार प्ले करने जा रहे हैं। वैसे 15 अगस्त को साहो की टक्कर कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे जॉन अब्राहम बाटला हाउस, अक्षय कुमार की मिशन मंगलवार से हो सकती है। ऐसे में अब चिरंजीवी की नरसिम्हा रेड्डी का नाम भी इसमें जुड़ रहा है।